गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म. दिस इज 18th लेक्चर इन द सीरीज ऑफ हाइड्रोलिक्स. और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रॉड नंबर के बारे में. इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर क्रिटिकल फ्लो. चूंकि आज का क्लास अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पिछले वाले क्लास को, यानी कि क्लास नंबर 17 को आप पहले देख लो, लेक्चर नंबर 17 को, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस किया था. और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप इस लेक्चर के जस्ट पहले वाले लेक्चर को हाइड्रोलिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आप देख सकते हो, क्योंकि वो लेक्चर इम्पॉर्टेंट है और उस लेक्चर पर बेस्ड आज का लेक्चर होने वाला है. इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप उस लेक्चर को देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर में आपको हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी. तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया हुआ है. और हम लोगों को आज ये दो टॉपिक पढ़ना है, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, कंडीशन फॉर क्रिटिकल फ्लो. तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और ये दोनों टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. रेनॉल्ड नंबर हम लोग पहले से जानते हैं कि वॉट इज़ रेनॉल्ड नंबर. पहले से इसलिए जानते हैं चूँकि जब आपने पाइप फ्लो पढ़ा था तो वहाँ पर भी रेनॉल्ड नंबर की बात हुई थी. पाइप फ्लो में हम लोगों ने कहा था कि जो रेनॉल्ड नंबर है आपका, अगर वो 2000 से कम होगा, इफ़ इट विल बी लेस देन 2000, देन द फ्लो विल बी लेमिनार. एंड इफ़ द रेनॉल्ड नंबर विल बी मोर देन 4000, देन इट विल बी टर्बुलेंट. एंड इफ़ इट लाइज बिटवीन 2000 टू 4000, देन फ्लो विल बी नोन एज ट्रांजिशन फ्लो. लेकिन जब आप ओपन चैनल फ्लो की बात करते हो तो यहाँ पे एंटिटीज बदल जाती हैं और इसके साथ साथ रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी बदल जाता है. और इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, इसके साथ हम लोगों को जो रेनॉल्ड नंबर है, द नंबर थ्रू विच द फ्लो इज़ बेसिकली काउंटेड एज लेमिनार और टर्बुलेंट, वो नंबर का केस बदल जाता है यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे रेनॉल्ड नंबर के लिए यहाँ पे लिखा गया है, इन एन ओपन चैनल फ्लो, फ्लो इज आइदर लेमिनार और टर्बुलेंट इज काउंटेड बाई रेनॉल्ड नंबर. तो फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसको हम लोग जज करते हैं किस चीज़ के अकॉर्डिंग, रेनॉल्ड नंबर के अकॉर्डिंग. और रेनॉल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है. और रेनॉल्ड नंबर पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो दोनों के कंडीशन में लेमिनार, दोनों के कंडीशन में रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, कहाँ से आया, छोटी छोटी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. बेसिकली आज हम लोग लेमिनार एंड टर्बुलेंट का जो डिफरेंस है वो समझने वाले हैं, और रेनॉल्ड नंबर से इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं ये समझने वाले हैं. डेट इज़ वाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला हेयर, आर ई इज इक्वल टू रो वी आर बाई म्यू. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रो किसको बता रहा है, यहाँ पे रो बता रहा है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर को. वी किसको बता रहा है, वी बता रहा है हाइड्रोलिक मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो को. आर किसको बता रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का मतलब क्या होता है, ए बाई पी, यानी एरिया बाई पेरीमीटर को बता रहा है. इसके बाद आपको म्यू किसको बता रहा है, इट इज़ शोइंग विस्कोसिटी. ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर ये सारे एंटिटीज़ को पुट करते हैं, हम लोग किसी ओपन चैनल फ्लो में अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी पुट करते हैं, अगर हम लोग उसकी मीन वेलोसिटी पुट करते हैं, उसके लिए जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो पुट करते हैं और विस्कोसिटी के वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोगों को एक कांस्टेंट नंबर मिलता है जिस नंबर को हम लोग रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं. ओके, सो व्हाई दिस नंबर इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर ओपन चैनल फ्लो के केस में आपकी रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन 600 हो, तो हम लोग उस फ्लो को क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो. अगर एक सेक्शन से एक फ्लो हो रहा है और आपने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने से आपको क्या मालूम चला, आपको ये मालूम चला कि आपका जो रेनॉल्ड नंबर है वो 600 से कम आ रहा है, लेस देन 600 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो. ओके, लेमिनार फ्लो फॉर ओपन चैनल. और अगर हम लोग पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप फ्लो में ये नंबर कितना होता है, ये नंबर होता है 2000. ओके, तो चलिए अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, किसको हम लोग टर्बुलेंट बोलेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि
अगर रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे 2000 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, और अगर ये 600 टू 2000 के बीच में अगर आए तो इसको हम लोग ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, मतलब उस फ्लो को हम लोग समझ नहीं सकते आइदर इट इज़ लेमिनार और टर्बुलेंट। तो ये हो गई बेसिक सी जानकारी हम लोगों के पास किसके बारे में, रेनॉल्ड नंबर के बारे में। अब अगर हम लोग फ्रॉड नंबर के बारे में बात करेंगे तो किसी भी फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए कि या तो मेरा फ्लो क्रिटिकल है या तो सुपर क्रिटिकल है या तो सब क्रिटिकल है, इस फ्लो के टाइप को डिसाइड करने के लिए हम लोगों को एक नया फॉर्मूला दिया जाता है, जो फॉर्मूला हम लोग जिसको कि हम लोग फ्रॉड नंबर बोलते हैं, फ्रॉड इक्वेशन बोलते हैं, और यहाँ से जो नंबर आता है उसको हम लोग फ्रॉड नंबर बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू क्या है, v बाई अंडर रूट जी इंटू डी, ओके v बाई अंडर रूट g इंटू डी। ये क्या है, ये आपके फ्रॉड नंबर के लिए इक्वेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे v क्या है आपके लिए, v मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, और अगर आप g की बात करोगे तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे d क्या है तो d आपके लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ चैनल है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं है, हाइड्रोलिक डेप्थ है। और जब हम लोगों ने पैरामीटर्स डिस्कस किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बारे में, हाइड्रोलिक डेप्थ के बारे में। तो अगर आप हाइड्रोलिक डेप्थ डी की बात करोगे तो डी इज इक्वल टू होता है ए बाई टी, ओके ए बाई टी, जहाँ पे ए क्या होता है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और टी आपका क्या होता है, टॉप विड्थ। अगर आप टॉप विड्थ को समझोगे तो मैं अगर बोलूँ कि आपके पास ये इस तरीके का चैनल है तो यहाँ पे जो आपको टॉप में वाटर की जो विड्थ होने वाली है, एक बेस विड्थ होती है और एक टॉप विड्थ, तो इस विड्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, ओके। और अगर चैनल रेक्टेंगुलर है तो टॉप विड्थ और बेस विड्थ दोनों क्या होगा, बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर आपके पास इस तरीके का चैनल है तो ये विड्थ और यहाँ पे जो वाटर का फ्लो का जो अपर लेयर है ये विड्थ दोनों बराबर होगा। तो इसको, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बाई टी को हम लोग हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं। एंड दिस हाइड्रोलिक डेप्थ को जब हम लोग बेसिकली व्हेन दिस हाइड्रोलिक डेप्थ इज व्हेन वी पुट दिस डी इनटू द फॉर्मूला ऑफ ए फी दैट इज फ्रॉड नंबर, देन इट इज वी बाई अंडर रूट टू अंडर रूट जी डी। और आप यहाँ से एक जो नंबर आएगा उस नंबर की वैल्यू, अब आपको यहाँ से समझना है, अगर इस फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से कम हो तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फ्लो को हम लोग सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ट्रैंक्विल फ्लो बोलते हैं, या फिर हम लोग स्ट्रीमिंग फ्लो बोलते हैं। ध्यान से समझना है, जब इस फ्रॉड नंबर का वैल्यू आपको लेस देन वन मिलता है, एक से कम मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, ट्रैंक्विल फ्लो या स्ट्रीमिंग फ्लो। लेकिन अगर आपको ये क्रिटिकल, ये फ्रॉड नंबर का वैल्यू अगर ये एक आ जाता है, इफ़ दिस फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वन देन यू कैन से दैट योर फ्लो इज क्रिटिकल, एंड इफ दिस फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन वन, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, आपको यहाँ पे बोलना है कि आपकी जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल है, शूटिंग फ्लो है, रैपिड फ्लो है या टोरेंशियल फ्लो है। तो आप ये समझो कि जब फ्लो सब क्रिटिकल है तो वहाँ पे आपकी फ्लो क्या होगी, वहाँ पे फ्लो ऑब्वियसली स्लो होगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लास में स्पेसिफिक एनर्जी कर्व ड्रॉ किया हुआ है तो वहाँ से बहुत सारा आइडिया हम लोगों को मिलने वाला है अभी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बात कर लेता हूँ फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग। अगर फ्रॉड नंबर लेस देन वन है तो आपकी फ्लो क्या है, सब क्रिटिकल है, और अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन वन है तो ये सुपर क्रिटिकल है। सब क्रिटिकल फ्लो को हम लोग ट्रैंक्विल फ्लो या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं, और सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम लोग शूटिंग फ्लो, रैपिड फ्लो या टोरेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनॉल्ड नंबर एंड फ्रॉड नंबर। और अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने पिछले क्लास के बारे में, और पिछले क्लास के बारे में याद होगा आपको कि आपने एक ऐसा ग्राफ बनाया था पिछले क्लास में, लेकिन वो ग्राफ कंप्लीट नहीं था, मैं उस ग्राफ में कुछ और ऐड किया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये ग्राफ कैसे बना है, अगर आपको ये समझना है तो आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करो, और जो पिछले क्लास का वीडियो है उसका लिंक वहाँ पे है, आप उसको देखो पहले, तो आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये ग्राफ कहाँ से आया है। और आज मैं इसी ग्राफ के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि मैं जब आप पिछला क्लास आप जब देखोगे तो उसके बाद आपको मालूम चलेगा
कि हम लोगों ने स्पेसिफिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, वो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू बाई टू जी एच स्क्वायर, जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू मेरा जो है फ्लो पर यूनिट विड्थ है ना, फ्लो पर यूनिट विड्थ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल क्यू है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और आप देख सकते हो कि आपके पास जो ग्राफ है वो कैसा है, वो ग्राफ आपके पास इस तरीके से बना था, यहाँ पे जो लाइन कर्व जो बेसिकली बना था वो इस तरीके से बना था। ओके, तो आज मैं ऐसे कर्व के बारे में बात करने वाला हूँ सीधे सीधे, ये कर्व बना कैसे था, इसके लिए आप प्लीज़ करके पिछले वाले क्लास के वीडियो को देखो, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब जब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास दो एंटिटीज़ है, आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में एनर्जी है, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी, और वाई एक्सिस में डेप्थ है। ओके, वाई एक्सिस में डेप्थ बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस में एनर्जी बढ़ रही है। मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूँ कि आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लो, चलिए मैं यहाँ कंसिडर कर लिया, मैं यहाँ कंसिडर कर लिया, मैं यहाँ कंसिडर कर लिया, अगर मैं वर्टिकल लाइन कंसिडर करूँ, तो आप देख सकते हो कि दो पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू सेम होने वाली है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। इसका मतलब है कि दो अलग अलग हाइट पे, यानी कि एक हाइट को मैंने h2 रखा है और दूसरे हाइट को मैंने h1 रखा है, तो ये दोनों हाइट पे जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है। ओके, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज़ को। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी इस पूरे वर्टिकल लाइन में कांस्टेंट होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वर्टिकल लाइन में, ये वर्टिकल लाइन इस पर्टिकुलर ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, और हम लोगों को यहाँ पे दो हाइट मिल रहा है, एक हाइट को मैंने h2 बोला और दूसरे हाइट को मैंने h1 बोला, सही है। आप देख सकते हो कि दोनों हाइट के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू है वो सेम है। और अगर मैं बात करूं क्रिटिकल फ्लो के बारे में, तो आप ये समझो कि हम लोग किसी फ्लो को क्रिटिकल फ्लो कब बोलते हैं, हम लोग किसी फ्लो को क्रिटिकल फ्लो तब बोलते हैं जब उसकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। E इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देखोगे आपको E मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो कि आपको E मिनिमम इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे E मिनिमम मिल रहा है। ओके, तो इस E मिनिमम को अगर मैं यहाँ नीचे ले जाऊँ तो मिनिमम एनर्जी हम लोगों को यहाँ मिल जाएगी, और मैं अगर इसको इधर ले जाऊँ तो इसको हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हम लोगों को डेप्थ मिलने वाला है, और इसी डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ। ओके, इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल डेप्थ। तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि क्रिटिकल डेप्थ बेसिकली उस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो, सही है। तो आप अगर इस लाइन को ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पर्टिकुलर डेप्थ कौन सी है, क्रिटिकल डेप्थ है, और यहाँ पे फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1, और इसके ऊपर जो डेप्थ है इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे फ्रॉड नंबर जो है ग्रेटर देन 1, और इसके नीचे फ्रॉड नंबर लेस देन 1, और यहाँ पे फ्लो सब क्रिटिकल। तो बेसिकली यही चीज़ आपको समझाना था, मैंने क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो को मैंने दो तरीके से समझा। पहले तरीके में हमने क्या देखा, हमने देखा फ्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करके किसी चीज़ को, किसी फ्लो को बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर इट इज़ क्रिटिकल, इट इज़ सुपर क्रिटिकल और इट इज़ सब क्रिटिकल। दूसरा, हम लोगों के पास जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व था, उस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के लिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ। एक और डाउट जो है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने लाइन यहाँ पे लिया है, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे जब आप लोगे तो भी आपको यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो सुपर क्रिटिकल, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो सब क्रिटिकल होगा। तो ये चीज़ें ग्राफ से मैंने क्लियर कर ली। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने कल यहाँ पे एक इक्वेशन कराया था पिछले क्लास में, आप देखोगे E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच स्क्वायर, जहाँ पे ये क्या था, ये पोटेंशियल एनर्जी था, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में,
अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल डेप्थ के बारे में. ओके, तो क्रिटिकल डेप्थ के बारे में जब बात किया जाएगा तो आप यहाँ पे अभी आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा, आपने क्या देखा कि क्रिटिकल डेप्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. हमने ये कहा कि मैं उस डेप्थ को क्रिटिकल डेप्थ बोलूँगा जिस डेप्थ में आपकी एनर्जी मिनिमम हो. ओके, फ्लो की बात हो रही है, आप ये समझो. मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि बात किस चीज़ की हो रही है, फ्लो की हो रही है. तो अगर आपके पास इस तरीके से एक चैनल है, मैं चैनल का फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, और चैनल में अलग अलग डेप्थ हो सकती है वाटर के फ्लो की, ये डेप्थ, ये डेप्थ, ये डेप्थ, तो मैं किस डेप्थ को क्रिटिकल डेप्थ बोलूँगा? उस डेप्थ को क्रिटिकल डेप्थ बोलूँगा जहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी. ओके, तो इसका मतलब ये कि स्पेसिफिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, हाइट बोलूँ, डेप्थ बोलूँ, जो बोलना है बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ये वाले जगह स्पेस की बात कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे ये इतनी इतनी वाटर की हाइट है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ओके, तो मैं अगर ये बोलूँ कि क्रिटिकल डेप्थ कब बोला जाएगा, जब आपकी एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट मिनिमम हो. और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एच. तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दिया डी ई बाई डी एच इज इक्वल टू जीरो फॉर क्रिटिकल डेप्थ. और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले वाले स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ई की वैल्यू कितनी है, एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू जी एच स्क्वायर. अब डी एच बाई डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. और जब आप आगे देखोगे तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, चलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको एक बार लिख लिया. अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो तीन कांस्टेंट टर्म है, मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ. चलिए, पहला कांस्टेंट है क्यू स्क्वायर, मैं बाहर निकाल लिया, 2g को ही बाहर निकाल लिया यहाँ पे 2g को, और इसको मैंने क्या लिख दिया, d बाई डी एच वन बाई एच स्क्वायर. अब आप डिफरेंशिएशन तो जानते हो क्या होता है, x टू द पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, मैं लिख रहा हूँ d बाई डी एक्स, अगर आप इसका करोगे तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू होगा माइनस टू वन बाई एक्स टू दी पावर क्यू. ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिक्स का पार्ट है. तो मैं क्या किया, मैं उसको यहाँ पे इसी तरीके से नोट डाउन कर दिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस वन क्यू स्क्वायर बाई टू जी जो था वो यहाँ आ गया, और मैंने इसको माइनस टू बाई एच क्यूब लिख दिया. अब ये यहाँ पे माइनस का साइन है, पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, तो मैं उसको उठा के इक्वल टू के उस साइड कर दिया. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 is equal to 2 q square by 2 g h cube. चलिए, ये मैंने लिख दिया. अब आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो hc का क्यूब. मैं ये h को उठा के इधर ले लिया, तो मैं इसको hc बोल रहा हूँ, आप ध्यान दोगे, मैं इसको hc बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि एनर्जी तो मिनिमम है ना, मैंने एनर्जी को क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, तो इसीलिए मैंने इसको hc लिखा है. तो hc का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2q स्क्वायर बाई जी, चूंकि 2 तो कैंसिल हो गया, तो hc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई जी होल टू द पावर 1/3. तो ये मैंने किसके लिए डेराइवेशन कर लिया, ये मैंने क्रिटिकल डेप्थ के लिए डेराइवेशन कर लिया. ओके, मैंने क्रिटिकल डेप्थ के लिए डेराइवेशन कर लिया कि क्रिटिकल डेप्थ आपको कैसे फाइंड करना है. ओके, तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में. तो आप ये समझ लो, मैं क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो क्रिटिकल कंडीशन में जिस क्रिटिकल डेप्थ पे वाटर फ्लो करने पर वाटर की जो वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी बोलूँगा. जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके पास इस तरीके का एक चैनल है और आप देख रहे हो कि इस चैनल में क्या हो रहा है कि वाटर फ्लो कर रहा है ना, और वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, और आप ये बोलोगे कि आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है. तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि क्रिटिकल हाइट कितना है या क्रिटिकल डेप्थ कितना है. तो उस क्रिटिकल डेप्थ पे जो वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे. तो चलिए, आपने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है एस सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी होल टू द पावर 1/3. तो आप यहाँ से लिख सकते हो, चलिए मैंने क्या किया, इस क्यूब को 1/3 को उठा के मैं इधर ले गया, तो ये हो गया एस सी पे क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई जी, या फिर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जी को उठा के इधर ले गया, जी बाई एस सी टू द पावर 3.
और आप ये जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो Q इज इक्वल टू होता है Q बाई बी, है ना, टोटल Q बाई बेड विड्थ, है ना। तो और Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एरिया इंटू वेलोसिटी। मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैंने VC लिखा है। तो अब आप एरिया को क्या लिख सकते हो, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन नहीं है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एरिया क्या हो जाता है, अगर हाइट यहाँ से यहाँ की h है तो आप ये बोलोगे कि ये h इंटू बी है, और ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या आ गया, q इज इक्वल टू आ गया वी सी इंटू एच सी। ओके चलिए, और मैं यहाँ पे इस q की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ओके और मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ इक्वेशन वन एंड टू से नीचे। तो आप यहाँ लिख सकते हो जी एस सी टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू वी सी इंटू एस सी टू द स्क्वायर। चलिए ये आपने लिख दिया, और मैं इसके आगे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप अलग अलग करोगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये टर्म और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से वी सी इज इक्वल टू लिख सकते हो जी इंटू एस सी, और ये स्क्वायर था इसलिए इधर जाके रूट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, और हम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ अगर आप बोलोगे तो आप समझो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं क्रिटिकल डेप्थ के टर्म पे। ओके तो चलिए, आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास, और आप जानते हो कि E इज इक्वल टू E मिनिमम होगा जब H इज इक्वल टू एच सी होगा, यानी क्रिटिकल डेप्थ होगा। तो मैंने E के जगह E मिनिमम पुट कर दिया, और एच सी के जगह मैंने यहाँ पे एच सी, और मैंने यहाँ पे भी एच सी पुट कर दिया। ओके तो चलिए, अब आपके पास इक्वेशन ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि एच सी टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर बाई टू जी। ये आप जानते हो ना, ये कैसे जानते हो, आपने पहले फाइंड किया है क्यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी आपने ये इक्वेशन तो पहले फाइंड किया है, और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये q स्क्वायर बाई जी के जगह आप h क्यूब पुट कर सकते हो, और आप h क्यूब और h स्क्वायर को कट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में एच सी, और आप बोल सकते हो e मिनिमम इज इक्वल टू एच सी प्लस एच सी बाई टू, और यहाँ से आ जाता है e मिनिमम इज इक्वल टू थ्री एच सी बाई टू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा आज के क्लास में। सबसे पहले हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर को डिस्कस किया, इसके बाद हम लोगों ने फ्रॉड नंबर को डिस्कस किया, इसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में जो ग्राफ किया था, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व किया था हम लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रॉड नंबर को डिफाइन किया। हम लोगों ने समझा कि आप ग्राफ में कैसे बोल सकते हो कौन सा फ्लो क्रिटिकल है, कौन सा फ्लो सब क्रिटिकल है। इसके बाद हम लोगों ने कहा, ये समझा कि आप देख सकते हो कि क्रिटिकल फ्लो के लिए जो एनर्जी होती है स्पेसिफिक एनर्जी, वो मिनिमम होती है, और वहाँ से हम लोगों ने फिर क्रिटिकल फ्लो के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिफाइन किया। इसके बाद हम लोगों ने क्रिटिकल डेप्थ या क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन किया। इसके बाद हम लोगों ने मिनिमम एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ डिफाइन किया। ये सब डेराइवेशन हम लोगों ने आज के क्लास में कवर किया। अब अगर आप डेराइवेशन कर रहे हो और आप डेराइवेशन के बाद न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो तो वो फिर थोड़ा अधूरा सा हो जाता है ना, वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है। तो कल के क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद जो दो टॉपिक है जो आप बचा हुआ है अभी तक, मैं वो दो टॉपिक कवर करूंगा। आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक फोर्स ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना अभी बाकी है। और इसके साथ साथ अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।